निश्चित रूप से महाराष्ट्र भारत के उन प्रांतों में से एक है जो हम सबके लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 36 हमारे ज़िलों में से 34 ज़िले जो हैं वो कोरोना के प्रकोप से प्रभावित हैं। 14,541 केस हो चुके हैं, 583 मृत्यु हो चुकी है। और ख़ासकर पहले भी हमने फॉलो किया था, मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर और शोलापुर, ये हम लोगों के लिए इन 34 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इलाके थोड़ा ज़्यादा विशेष चिंता का कारण बने हुए हैं। इस बात का संतोष है कि दो ज़िले गढ़चिरौली और वारधा ये अभी भी हमारे प्रभावित नहीं हुए हैं। मैंने जैसा देखा कि गोंडिया और उस्मानाबाद, यहाँ पर पिछले 28 दिन से कोई भी केस नहीं आया है। इसी तरह से बीड में भी पिछले 21 दिन से कोई भी केस नहीं आया है, और अहमदनगर और भंडारा में पिछले 7 दिन से कोई केस नहीं आया है। हमें अंततोगत्वा उस स्थिति में पहुंचना है जब हमारे सारे ज़िले एक दिन ग्रीन जोन बनेंगे और वहां पर 21 दिन 28 दिन से कोई भी केस नहीं आया होगा। ये हमारे सबके सम्मिलित और संगठित प्रयास से और मनोयोग से संभव हो पाएगा। जैसा कि मेरी जानकारी है कि 1026 कंटेनमेंट जोन इस समय महाराष्ट्र में है। यहाँ पर अभी क्योंकि महाराष्ट्र में हमारे यहाँ ऐसे तो मेडिकल कॉलेज की रिस्पांस टीम्स, जो रैपिड रिस्पांस टीम्स मेडिकल कॉलेज के जितने भी है वो सहायता कर रहे हैं फील्ड में सर्विलेंस ऑफिसर्स की, लेकिन एम्स नागपुर के अगर लोग यहाँ पर हैं तो उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि वो कम से कम नागपुर के ज़िले को तो विशेष रूप से प्रोएक्टिवली बाहर जाकर उसको अच्छी तरह से संभाल कर और उसकी मदद करने का प्रयास करें। हमारी यहाँ पर सेंटर की टीम और विशेषकर डॉक्टर सुनील खपाड़े जो हैं वो और डॉक्टर दीपक सूले ये लोग काफ़ी दिन से वहाँ पर अभी भी स्टेशन्ड हैं, और जैसा कि आज की मीटिंग के बाद निष्कर्ष निकलेगा हमारी आपस की बातचीत का, उसके आधार पर जो भी और संभव सहायता है महाराष्ट्र के लिए वो हम लोग करेंगे। इस मीटिंग के बाद मेरा मन में है कि एक बार मैं आपके मुख्यमंत्री जी से भी थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करूंगा, और जो भी भारत सरकार की ओर से उनकी अपेक्षा है किसी भी प्रकार की सहायता की, वो सब हम करने की यहाँ पर और ज़्यादा योजना बनाएंगे। अहमदाबाद में ही आपके लगभग 71% केसेस हैं सारे, जो मैंने देखा अभी ये 6,245 आपके टोटल केसेस में 4,425 केवल अहमदाबाद में हैं, और 378 डेथ्स में से आपकी जो अहमदाबाद में ही खाली 273 डेथ्स के केसेस हैं, और टेस्ट भी आपने वहाँ बहुत किए हैं, 89,632 टेस्ट में से 37,000 टेस्ट करीब आपने अहमदाबाद में ही किए हैं। जो हमारे यहाँ से टीम गई थी एक डॉक्टर ढींगरा वगैरह, उन्होंने हमें वापस आके ये बताया कि आप लोग काफ़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। एक दूसरी डॉक्टर यादव की टीम भी आज आपके गुजरात में पहुंचने वाली है, दो डॉक्टरों की, वो भी आपकी वहाँ पर मदद करेगी। हमने पहले ही दिन से यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के जितने न्यू दिल्ली के स्पेशलिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनका सबका जो है सारे देश में जो भी डॉक्टर जो कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो कॉन्टैक्ट करके जो है वो डिटेल्स ही आपको लाइन वगैरह का भेज देंगे। वहाँ 24 घंटे डॉक्टर्स जो सीनियर मोस्ट हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के, वो सारे देश के कोविड का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स के साथ टच में हैं, और कोई भी डॉक्टर उनसे लगातार बात करता रहता है। जैसे आपने 12:30 से 1:30 का, वो सारा दिन 24 घंटा 24x7 अवेलेबल हैं। तो हम
जो हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया, उनको भी आज कहेंगे कि एक बार वो आपके साथ बात करेंगे। और आप अपने सारे जो डॉक्टर्स कोविड को ट्रीट कर रहे हैं उनका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से भी कनेक्शन करा दीजिए। उसके लिए कुछ ज़्यादा उसके लिए किसी टीम को वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है। टीम तो जाएगी, कोई डॉक्टर दो बार एक बार चला जाएगा, दो चार लोगों से बात करके चला आएगा, लेकिन ये एकदम 24/7 लाइन है। किसी समय भी कोई भी ज़्यादा क्रिटिकल हुआ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सो आप उस लाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के साथ। आप सबको सारे महाराष्ट्र और गुजरात के सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि जो अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी हमको ये सुनिश्चित करना है कि वो किसी भी कीमत पर इफ़ेक्ट ना हो। और हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 250 तो ऐसे केसेस को जो है हमको टेस्ट मिनिमम करना ही है। हमने 250 लोगों के लिए कहा, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ, कर्नाटक के अंदर उन्होंने 1,500-2,000 तक केसेस को रैंडम उन्होंने सारी और ILI के केसेस को टेस्ट किया। उड़ीसा में भी इस तरीके से किया। वो ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो वास्तव में हमारे सो कॉल्ड अनअफेक्टेड हैं वो वास्तव में अनअफेक्टेड हैं कि नहीं है, वरना बाद में हमारे को कोई ना कोई सरप्राइज़ उसके अंदर से मिल सकता है। रोज़ जब हम लोग शाम को डाटा स्टडी करते हैं तो हमें दो चार डिस्ट्रिक्ट पूरे देश में ऐसे ज़रूर मिलते हैं जो पहले दिन अनअफेक्टेड थे, लेकिन अगले दिन जो है जब हम शाम को डाटा में देखते हैं तो वो अफेक्टेड कैटेगरी में आ जाते हैं। यद्यपि जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो 21 दिन या 28 दिन से वहाँ कोई केस नहीं आया, इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी दिखती है, लेकिन धीरे 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 करके बहुत रोज़ ये अनअफेक्टेड जो अफेक्टेड हो जाता है इसकी भी संख्या हमको दिखती है। तो ये बात आपके सबके ज्ञान में रहनी चाहिए कि जो आज अनअफेक्टेड है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना और उसमें डबली श्योर होना कि वो वास्तव में अनअफेक्टेड है। इसके लिए जो ये जो सारी के और ILI के केसेस हैं उनको OPD में या इंडोर के अंदर टेस्ट करना, ये ढूंढ ढूंढ के ये भी बहुत आवश्यक है। तो खाली आप अपना ध्यान अपने हॉटस्पॉट कंटेनमेंट एरियाज पे ही ना रखें, बाकी जो एरिया सुरक्षित हैं उनको भी ठीक रखने के लिए आप प्रयास ज़रूर करें।